Hello dear students, welcome in the online class of basic mathematics. I am Professor Dipali Ingle from Department of Mathematics. Our today's topic is examples based on multiple and submultiple angle formulae. Let us see course outcomes. Apply the rules and formula of trigonometry to solve elementary engineering problems. Now learning outcomes. After watching this video, you will be able to tell the multiple and submultiple angle formulae. आप multiple and submultiple angle formulae बता सकते हो and solve examples by using multiple and submultiple angle formula. इन फॉर्मूले का यूज करते हुए आप एग्जांपल्स भी सॉल्व कर सकते हो. लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास ऑन एग्जांपल्स ऑन मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूले. ठीक है, सो मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला क्या है ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं. ठीक है, एंड उसी का यूज करते हुए अब हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स. तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दो एग्जांपल समझा के भी दिए थे, एक मल्टीपल एंगल का एंड एक सब मल्टीपल एंगल का. ठीक है, तो अब देखिए आज के वीडियो में फिर से और एक एग्जांपल हम ले रहे हैं जहाँ पे गिवन है इफ ए इक्वल्स टू 30 डिग्री, ए यानी कि क्या है एंगल, वेरीफाई द रिजल्ट. एंड नीचे दिया हुआ रिजल्ट है यानी फॉर्मूला है वो आपको वेरीफाई करना है. सो कौन सा रिजल्ट दिया हुआ है यहाँ पे, रिजल्ट यानी फॉर्मूला, साइन 3a इक्वल्स टू 3 sin a माइनस 4 sin³a. तो स्टूडेंट हम सभी को पता है कि यहाँ पे हमने फॉर्मूले देखते वक्त, पढ़ते वक्त, लर्न करते वक्त क्या लर्न किया है, यहाँ पे थीटा, साइन 3θ इक्वल्स टू 3 sin θ माइनस 4 sin³θ. लेकिन जरूरी है क्या कि यहाँ पे थीटा ही आए क्वेश्चन पेपर में, नहीं, वहाँ पे थीटा की जगह पे ए बी अल्फा बीटा गामा, ठीक है, कोई भी यहाँ पे लेटर या फिर सिंबल आ सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे आया हुआ है 3a. सो इफ ए इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री, वेरीफाई द रिजल्ट. रिजल्ट ऑलरेडी हमें पता है, ये फॉर्मूला है कि साइन 3a इक्वल्स टू 3 sin a माइनस 4 sin³a. यस, आपका हो चुका फॉर्मूला लर्न. कॉस 3a अगर होता तो ये टर्म कहाँ आती, सामने, एंड ये टर्म कहाँ चली जाती है, पीछे. ये ट्रिक है, ठीक है. लेकिन कॉस के फॉर्मूले में कॉस कॉस रहता है एंड साइन के फॉर्मूले में साइन साइन रहता है, ये भी आपको याद रखना है. सो ये फॉर्मूला है, आप सोचें वेरीफाई द रिजल्ट ये कैसे प्रूव करें, ये तो ऑलरेडी प्रूव है ना. ठीक है, और इसका प्रूफ आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं आ रहा है, तो वेरीफाई द रिजल्ट, प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. लेकिन कैसे प्रूव करना है, इसका यूज करते हुए, यानी एंगल कितना है 30 डिग्री है तो ये रिजल्ट प्रूव करिए. आपको ये रिजल्ट प्रूव करके नहीं बताना है, आपको इसका यूज करते हुए बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है राइट हैंड साइड. ये ऑलरेडी प्रूव है, ये रिजल्ट है. तो साइन 3a, तो यहाँ पे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, यानी कि a की जगह पे 30 रखेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड का एक आंसर मिलेगा. फिर हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, a की जगह पे 30 डिग्री रखेंगे तो हमें और एक आंसर मिलेगा, एंड दोनों ही आंसर क्या होने चाहिए, इक्वल. ठीक है, इस तरीके से हमें ये वेरीफाई करना है. वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग दिस एंगल a इक्वल्स टू 30 डिग्री, इसका यूज करते हुए हमें वो वेरीफाई करना है. तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं, ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है. ठीक है, सो ये फॉर्मूला यहाँ पे एक बार हम लिख लेते हैं, साइन 3a इक्वल्स टू 3 sin a माइनस 4 sin³a. थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या यूज हुआ है, a यूज हुआ है. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड फिर राइट हैंड साइड, एंड दोनों अगर इक्वल आ गए तो रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू LHS, लेफ्ट हैंड साइड कौन से लेफ्ट हैंड साइड, ये साइन 3a, साइन
इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करते हैं साइन 3, लेकिन ए की वैल्यू हमारे पास है क्या गिवन है, ए इक्वल्स टू 30 डिग्री। आप यहाँ पे लिख सकते हो गिवन में एंड गिवन क्या है, ए इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल ए इक्वल्स टू 30 डिग्री। चलिए तो ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 30 डिग्री, तो यहाँ पे पुट कर दिया 30 डिग्री। सो साइन, अब 3 × 30 यानी कितना होता है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है ये आपको याद करना है, साइन 90 होता है 1, साइन 90 1, ठीक है, कॉस 90 0, तो इसका आंसर क्या मिल गया है हमें 1। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू कितना आ गया 1, LHS की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, ये हमने सॉल्व कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड कैसे किया, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख लिया, फिर ए की जगह पे जो गिवन है यहाँ 30 दिया है स्टूडेंट, हो सकता है यहाँ पे वैल्यू चेंज होके 45, 60 डिग्री और भी आ जाए, तो ऐसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 90 एंड साइन 90 यानी साइन पाई बाई 2 एंड साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड, सो नाउ राइट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है राइट हैंड साइड, ये जो हमें फॉर्मूला प्रूव करना है उसका, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये राइट हैंड साइड है। अब देखिए सॉल्व करने के पहले हम एक काम कर लेते हैं, ये जो क्यूब है इसे बाहर निकालते हैं, यानी कि 3 साइन ए माइनस 4 साइन ए क्यूब, आप इसे ऐसा लिख सकते हो क्यूब अंदर या फिर बाहर, साइन क्यूब ए इक्वल्स टू साइन ए क्यूब, ऐसा आप इसे लिख सकते हो। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं। सो 3, क्या आपको साइन ए की वैल्यू गिवन है, नहीं, ध्यान से देखिए आपको ओनली ए की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, तो साइन जैसा का वैसा रहेगा, साइन हाँ ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, माइनस 4 फिर से साइन जैसा का वैसा, ए ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री एंड उसका यहाँ पे क्या प्रेजेंट है क्यू, यस। अब आपको ये बात पता है यहाँ पे, यहाँ तक हम पहुँच गए, गलती से भी साइन ए की जगह पे 30 ना लिखे, क्योंकि हमें सिर्फ ए की वैल्यू गिवन है, साइन ए की नहीं है, इसलिए साइन जैसा का वैसा ए की जगह पे वैल्यू रख दी। जैसे देखिए सिर्फ ए की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे ए की जगह पे ही हमने पुट कर दी थी। अब सॉल्व कैसे करें, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, साइन 30 क्या होता है, यहाँ पे मैं रीजन लिख रही हूँ, बट साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू होता है 1/2, ठीक है, साइन 30, साइन 0, साइन 30, साइन 90, ये स्टैंडर्ड जो फॉर्म है एंगल्स है, इसकी वैल्यू आप सभी को पता है, ठीक है, तो साइन 30 होता है 1/2, तो यहाँ जहाँ भी हमें साइन 30 नज़र आ रहा है पूरी जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/2, पूरी टर्म की जगह पे 1/2। चलिए पुट करते हैं यहाँ पे, सो 3 × साइन 30 कितना है 1/2, माइनस 4 साइन 30 ब्रैकेट के अंदर, सो ब्रैकेट के अंदर 1/2 का क्यूब, इस तरीके से। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, आपने पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में एक साथ डाली तो भी चलेगा, ठीक है, पूरी की पूरी वैल्यू, या फिर आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे, देखिए मल्टीप्लिकेशन, तो ऊपर का मल्टीप्लिकेशन, ऊपर 3 × 1 3/2 माइनस 4 × अब देखिए 1/2 का क्यूब मतलब यहाँ 1 का भी क्यूब एंड 2 का भी क्यूब होता है, कैसे ये आप सभी को पता है कि अगर a बाय बी का क्यूब है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, a क्यूब अपॉन बी क्यूब, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ ऊपर 1 का क्यूब कितना होगा 1 एंड 2 का क्यूब यानी 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा ये 8, तो 4/8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में अब हम सॉल्व करते हैं, सो ध्यान से देखिए यहाँ पे RHS, ये RHS क्यों लिखा, क्योंकि RHS चल रहा है यहाँ पे राइट हैंड साइड RHS, सो यहाँ पे रह गया हमारा 3/2 माइनस 4 × 1 4/8, ये रिड्यूस होता है, सो 3/2 माइनस यहाँ पे कैंसिल होके 1 यहाँ 2 1/2, बेस सेम है आप लिख सकते हो, तो यहाँ न्यूमरेटर की क्या होगी, जो बीच में साइन दिया है सब्ट्रैक्शन 3 माइनस 1,
तो ये हो जाएगा आपका 2/2 यानी कि 1। सो देयरफॉर राइट हैंड साइड का आंसर कितना आ गया है 1। तो इस तरीके से हमने राइट हैंड साइड सॉल्व कर लिया एंड उसका भी आंसर क्या आ गया 1। अब ध्यान से देखिए, इसे अगर मैंने इक्वेशन 1 डिनोट कर दिया एंड ये इक्वेशन नंबर 2, तो आपको क्या दिख रहा है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 1 एंड राइट हैंड साइड का आंसर भी 1। तो देखिए, इक्वेशन 1 एंड 2 में दोनों ही ये 1 1 सेम दिख रहे हैं आपको, इक्वल हो गए। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। तो डियर स्टूडेंट, आप ये पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में भी डाल सकते हो, चाहे तो मैं आपको डाल के बता रही। ध्यान से देखिए, ये स्टेप करने के, इतनी स्टेप कंपलसरी है। ये करने के बाद आपने अगर डायरेक्ट 1 भी लिख दिया तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो। सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 नज़र आ रहा है तो मैंने डाला 3। अब मल्टीप्लीकेशन का साइन, अब 1/2 है मतलब फ्रैक्शन आ गया, तो ये बटन दबानी है, दबा दी। अब ऊपर हम डालेंगे 1, नीचे उतर गए 2, साइड में चले गए। देखिए 3 × 1/2, अब यहाँ माइनस का साइन है, माइनस 4 4, अब ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट फिर से फ्रैक्शन आ गया, ऊपर नीचे टर्म, सो ये बटन प्रेस कर दी, 1/2 1/2 बीच में चले गए, ठीक है, तभी ब्रैकेट आएगा, नहीं तो ब्रैकेट नीचे चला जाएगा 2 के साथ। ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। आप देखिए पावर कितना है 3, तो क्या आप ये एक्स स्क्वायर के बटन प्रेस करेंगे? नहीं, जब पावर 2 है तभी एक्स स्क्वायर के बटन प्रेस करना है, जब अननोन 2 से ज़्यादा पावर है 3 4 5 6 9 10 11, ठीक है, तो कौन से बटन प्रेस करेंगे? एक्स स्क्वायर के बाजू में यहाँ पे और एक्स के पावर में ब्लैंक स्पेस छोड़िए, ये हम प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट बॉक्स नज़र आ रहा है, ब्लैंक है, यहाँ पे आप 2 से ज़्यादा कोई भी नंबर डाल सकते हो, तो यहाँ क्या प्रेजेंट है? 3, चलिए डाल दिया 3। ध्यान से देखिए, जो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है क्या यही टर्म कैलकुलेटर में है? 3 × 1/2 माइनस 4 ब्रैकेट 1/2 पावर 3। अब मैं इक्वल के बटन प्रेस करती हूँ, देखिए प्रेस कर दी, क्या आंसर बताया कैलकुलेटर? 1, यस 1, 1 आंसर बताया। तो आप डायरेक्ट इस स्टेप के बाद में आंसर क्या लिख सकते हो? 1, मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बताया। सो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या मिल गया है हमें? राइट हैंड साइड। सो हम लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है? वी गेट LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS, यानी कि लास्ट में हम लिखेंगे हैंस प्रूव। तो हमने ये प्रूव कर दिया LHS इक्वल्स टू RHS है। सो देयरफॉर साइन 3A इक्वल्स टू 3 sin A माइनस 4 sin3A, हैंस प्रूव। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। आप सोच रहे हैं ये तो फॉर्मूला है, ये ऑलरेडी प्रूव है, यस ये फॉर्मूला प्रूव है, लेकिन इस एग्जांपल में आपको क्या लेके प्रूव करना है? 30 डिग्री, ठीक है। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन थोड़ी सी। सो इफ ए इक्वल्स टू 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे ये cos 3A है, हो सकता है आपको एग्जाम में, सॉरी sin 3A है, cos 3A भी आ सकता है, tan 3A भी आ सकता है, तो आपके पास फॉर्मूले हैं, आपको वो लर्न करने हैं एंड इस तरीके से वो सॉल्व करने हैं एग्जांपल्स। सो इफ ए इक्वल्स टू 30 डिग्री, वेरीफाई द रिजल्ट, sin 3A इक्वल्स टू 3 sin A माइनस 4 sin3A। तो गिवन लिख दिया हमने ए इक्वल्स टू 30 डिग्री, अब लेफ्ट हैंड साइड ये प्रूव करना है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड sin 3A, sin 3A की जगह पे कितना है? 30 डिग्री, 3 × 3 कितना होता है? 9, तो ये हो गया 90 डिग्री, एंड sin 90 यानी sin π/2 क्या वैल्यू होती है उसकी? 1। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड 1 मिल गया। अगर ये हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि ये इक्वल्स टू ये है, तो राइट हैंड साइड भी क्या आना चाहिए? 1। चलिए स्टार्ट कर दिया, राइट हैंड साइड ये पूरा उठा के यहाँ पे लिख दिया। अब क्यूब को बाहर किया हमने, अब साइन ए की वैल्यू गिवन नहीं है, ओनली ए की वैल्यू गिवन है, तो साइन जैसा का वैसा है, ए कितना है? 30। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या गिवन है, ओनली ए की वैल्यू। चलिए रख दी यहाँ पे 30, साइन ए साइन एंड ए की जगह पे 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, साइन 30 क्या होता है? 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2, चलिए यहाँ पे 1/2 रख दिया, 1/2 का क्यूब,
और ये पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में डालिए, या फिर इस तरीके से सॉल्व करिए, 3 × 1 3/2 माइनस 1/4 जैसा का वैसा, 1 का क्यूब यानी 1, 2 का क्यूब यानी 2 का 3 बार मल्टीप्लीकेशन, 2 × 2 × 2 कितना होता है 8। अब 4/8 आ गया, या आप रिड्यूस कर सकते हो 1/2, कैसे आ गया, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो इस तरीके से यहाँ पे 1/2, बेस सेम है, न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन कर दिया, 2/2 कैंसिल होके 1। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का आंसर 1-1 आ गया। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS = RHS, सो देयरफॉर sin 3 = 3 sin A माइनस 4 sin3 इज वेरीफाइड। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये वीडियो फिर से देखना है, अच्छे से समझना है, एंड जो एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करने के लिए अभी दे रही हूँ वो आपको सॉल्व करने हैं। सो असाइनमेंट, इफ A = 30 degree वेरीफाई दैट this = this। तो डियर स्टूडेंट आपको वही करना है, sin 2 लेफ्ट हैंड साइड में 2 × A करेंगे 30, ठीक है, और सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद कैलकुलेटर में आप डाल सकते हो, फिर cos 2A दिया हुआ है, ये फॉर्मूले है, लेकिन आपको क्या करना है, इसका यूज़ करते हुए सॉल्व करना है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में A की वैल्यू 45 degree है, तो पहले आप ये लेंगे, यदि आप ही देखिए दो एग्जाम्पल्स है, फर्स्ट लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड एंड वेरीफाई करेंगे दोनों कैसे आता है इक्वल, एंड थर्ड एग्जाम्पल यहाँ भी। तो इस तरीके से आपको ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल, जिसमें और मैंने दो दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पूरे सॉल्व करने हैं। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।